राजलदेसर कस्बे में भाजपा युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में आज रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि के समर्थकों ने बैनर पर विधायक महर्षि की फोटो नहीं होने के कारण विरोध जताया व बैनर को फाड़ दिया। बैनर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्विनी सूर्य, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालान की फोटो लगी हुई थी, जिसके विरोध में विधायक के समर्थकों ने बैनर को तहस नहस कर दिया। वहीं बात युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं विधायक समर्थक की आपस में मारपीट पर आ गई। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने मीटिंग के दौरान जिस तरह से विधायक समर्थकों ने घटिया नीति अपनाई है, इसके लिए उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि इस तरह की हरकत भाजपा के लिए शोभा नहीं देती। पूरे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और मैं कहूँगा राजस्थान प्रदेश की जनता का जो आक्रोश है, राजस्थान अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान आने वाली आगामी 17 अगस्त को जो जिला मुख्यालय पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा आक्रोश महासभा करने वाले, इसमें पूरे जिले भर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और युवा तरुणाई उस महासभा में शामिल होंगे। हजारों की संख्या में कांग्रेस की सरकार को आने वाले विधानसभा में करारा जवाब देने के लिए किस प्रकार से इन्होंने पेपर लीक करने का काम किया है, सरकार युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ भेदभाव करने का काम किया है, उन सभी बातों को लेकर इस विषय को लेकर साथ जिला कार्यकारी की बैठक आयोजन किया गया और उस बैठक का आयोजन। आप स्वयं यहाँ पर मौजूद थे, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कार्यकर्ताओं में जबरदस्त टकराव हुआ था, वो किस बात को लेकर टकराव हुआ था? देखिए, मेरे पत्रकार मित्र बंधुओं, परिवार में भाई भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, आपस के अंदर कोई बात होती है उसको लेकर आपस में बातचीत हुई, चर्चा हुई, ऐसा कोई तकरार हुआ ऐसा कुछ नहीं। पोस्टर सर, एक पोस्टर फाड़ने वाला कुछ युवा पोस्टर सारे हमारे पास में पड़े। सर, एक पोस्टर फटा हुआ आपके पास ही पड़ा है? पोस्टर फाड़ने जैसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, हमारे जो कार्यक्रम में जो पोस्टर लग रहे थे वो पोस्टर लगे और वो पोस्टर दूसरा बाहर गया। सर, आप बोल रहे हो कि दूसरा पोस्टर बाहर गया है, यहाँ पे तो पोस्टर था जो फाड़ के आपके पास पड़ा है, उसके फोटो वीडियो पहले वायरल हो चुके हैं। किसके? उनके, मेरे पास, स्वयं के पास फोटो और वीडियो मौजूद है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहूँगा? वो पोस्टर फटने वाला जैसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, एक 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 पोस्टर को उतार कर दूसरा पोस्टर लगाया गया। सर, पोस्टर में फोटो में लेके विवाद हुआ था? नहीं, आपके आप आपकी कार्यकर्ताओं का लोकल यहाँ पे राजेंद्र के अंदर तो भाजपा युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर निर्णय लिए गए हैं कि आने वाली 17 तारीख को युवाओं की महापंचायत चूरू के अंदर कलेक्ट्रेट में बड़ा प्रदर्शनी करेगी और इस किसान युवा दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेगी। जो युवाओं के साथ इस सरकार ने विश्वासघात किया है, इससे बड़ा विश्वासघात हो नहीं सकता। 18-18 बाद पेपर लीक होना और युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। तो युवाओं का संकल्प था कि सरकार आएगी तो हमें नौकरियाँ देगी, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प। हम सब 17 तारीख को एक महापंचायत और महाप्रदर्शन करेंगे और सरकार को ललकारेंगे। धन्यवाद। राजस्थान युवा महोत्सव 2023 के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय आयोजन किया गया। समापन एवं पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने नवोदित कलाकारों को लोक संस्कृति का वाहक बताते हुए आह्वान किया कि हमारी लोक संस्कृति हमारी विशिष्ट पहचान है, इसे संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व जिला युवा महोत्सव 2023 के नोडल अधिकारी जगवीर सिंह यादव ने कहा कि हमारे कलाकार कला के प्रति समर्पित भाव रखते हैं। आज इस कार्यक्रम में कलाकारों के जोश व जज्बे को देखकर संपूर्ण राजस्थानी संस्कृति की उपस्थिति का आभास हो रहा है। द्वितीय चरण के कार्यक्रम में समूह लोक नृत्य विधा की प्रस्तुति दी गई, जिसमें जिले भर से चयनित 18 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर चेतना एंड पार्टी, द्वितीय स्थान पर राधा एंड पार्टी और तृतीय स्थान पर वंशिका एंड पार्टी विजेता रही। 2 दिवसीय कार्यक्रम में कला और देसी खेल, एकल शास्त्रीय, कंठ संगीत, फोटोग्राफी आदि के विजेताओं को
सम्मानित किया गया। तारानगर के राजकीय चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर में अब जिला स्तर का इलाज भी प्रारंभ हो गया है। तारानगर के निकटवर्ती गांव ढाणी भाकरान की 93 वर्षीय वृद्ध महिला गीता देवी की कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर था, जिसके इलाज के लिए महिला के परिजन उन्हें चिकित्सालय में लेकर आए। इस बार चिकित्सकों ने इस तरह के मामलों को रेफर नहीं करके तारानगर के ही नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर में इलाज किया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल कड़वासरा ने बताया कि एक्सरे जांच में कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। इसके ऑपरेशन को चिकित्सकों ने चैलेंज के रूप में लिया और बहुत ही शानदार तरीके से ऑपरेशन किया, जो सफल रहा। तारनगर में इस तरह का पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर कड़वासरा ने बताया कि मरीज गीता देवी अब ठीक है। उक्त ऑपरेशन में डॉक्टर शिव शंकर जांगीर, प्रमोद कुमार सोनी, कृष्ण कुमार आदि की टीम थी। मेरे पास तारानगर के ट्रोमा सेंटर में एक 93 साल की वृद्ध महिला रानी बाकरान से उनके परिजन लेके, जिनका मैंने एक्सरे करवाया, एक्सरे में इनका कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर निकला और जिनका मैंने तारानगर के ट्रोमा सेंटर में ऑपरेशन का प्लान किया। और ऐसे ऑपरेशन पहले बीकानेर या जयपुर में हुआ करते थे, लेकिन ऐसे ऑपरेशन अभी तारानगर के ट्रोमा सेंटर में भी होने लगे हैं। हमने एक चैलेंज के रूप में लेके कूल्हे की हड्डी का बहुत ही शानदार ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के बाद में पेशेंट सकुशल है और पेशेंट एकदम होश हवास में है और उसका सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन कर दिया है। तारानगर में इस एज का ऑपरेशन होना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीकानेर से जयपुर जाते समय भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गैदर का रतनगढ़ में कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं प्रजापति समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने भी शिरकत की। गैदर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार अराजकता की लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। आने वाले समय में प्रदेश की जनता इस सरकार को करारा जवाब देने का मन बना चुकी है। इस अवसर पर भाजपा नेता महेंद्र यादव, सुनील गहलोत, बाबूलाल चारण आदि उपस्थित रहे। हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चंपालाल जी गैदर जयपुर से बीकानेर जाते समय या रतनगढ़ के स्थानीय होटल नीलकंठ में हम सब कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने और समाज के लोगों ने मिलकर के आपका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपने इस मौके पर हम सबको संबोधित किया। इनके साथ साथ पूर्व मंत्री राजस्थान के आदरणीय राजकुमार जी रीणवा भी हमारे बीच उपस्थित रहे और इन दोनों ने ही हम सबको संबोधित करते हुए बताया कि ये जो राजस्थान सरकार है चंद दिनों की मेहमान है। इस राजस्थान सरकार गहलोत सरकार में केवल मात्र राज्य को लूटा है, किसानों को लूटा है, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, पेपर लीक किए हैं, भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी सरकार है। अब इसके जाने के दिन आगे है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप दोनों के नेतृत्व में इनको आश्वस्त किया है कि रतनगढ़ विधानसभा में कमल का निशान खिलेगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लड़ेगा। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की ओर से 22 अगस्त को जिले के आकांक्षी खंड राजगढ़ में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार आज कलेक्टर सभागार में इस संबंध में तैयारी बैठक का आयोजन कर आवश्यक व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। ADM लोकेश गौतम ने अधिकारियों से कहा कि सभी संबंधित अधिकारी शिविर के संबंध में समुचित तैयारी करें और चाही गई सूचनाएं समय से उपलब्ध करवाएं। शिविर से 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय आयोग की टीम भी संबंधित ब्लॉक में आ जाएगी। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक प्रमोद शेखावत ने बताया कि शिक्षा से वंचित, ड्रॉप आउट, अनाथ, आर्थिक तौर पर असमर्थ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, ट्रांसजेंडर, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, कोविड से प्रभावित, बाल तस्करी की चपेट में आए बच्चों सहित विभिन्न बच्चों परिवारों को वेलनरेबल की श्रेणी में रखा गया है।
रतनगढ़ में बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रहे लोगों के रुपए गायब होने की घटना थमने का नाम भी नहीं ले रही है। आज फिर ग्रामीण क्षेत्र का एक ज्वेलर्स इस घटना का शिकार हो गया। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव बछड़ा निवासी मदनलाल सोनी गांव से रतनगढ़ आया तथा पंजाब नेशनल बैंक के सामने बाइक खड़ी कर बैंक से 50,000 रुपए निकलवाए व बाइक की डिग्गी में रख दिए। डिग्गी में 2,00,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी रखे हुए थे। इसके बाद मदनलाल बैंक के ATM से भी रुपए निकालने में लग गया। इसी दौरान एक बालक ने उसकी डिग्गी का ताला तोड़कर 50,000 रुपए की नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बैंक में लगे CCTV फुटेज खंगाले वे फुटेज के आधार पर नाकाबंदी शुरू कर बालक की तलाश शुरू कर दी। मैं दोपहर 2 बजे यहाँ PNB बैंक पुलिस चौकी के सामने से 50,000 रुपए बैंक से निकाल के अपने थैले में डाल के डिग्गी में डाल के ATM से पैसे निकालने गया। वापस पैसे ATM से पैसे निकाल के वापस आया तो ये डिग्गी का लॉक टूटा हुआ था और थैला लेके चोर फरार हो गया। डिग्गी में थैले में वो मैंने बैंक से 50,000 रुपए का डेवो रखे थे और लगभग 2,00,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर थे। हमने तुरंत सामने पुलिस चौकी थी वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई। और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल अंतर्गत आज गांव खारिया के खेल मैदान में चूरू के वार्ड नंबर 16 व 18 के बीच क्रिकेट मैच का शुभारंभ राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सांवरमल महरिया ने किया। महरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक से बढ़कर एक योजनाओं का सूत्रपात किया है, जिनका लाभ आने वाले लंबे समय तक यहां के लोगों को मिलता रहेगा। पूर्व सरपंच सुखाराम घिंटाला की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल नेहरा ने भी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों को राज्य के युवाओं के लिए बेहतर अवसर बताया। तारनगर नगर पालिका में भ्रष्टाचार व अनियमितता के विरोध में आज भाजपा पार्षद तिलोक रैगर के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इस दौरान इन लोगों ने प्रशासन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षद तिलोक रैगर ने बताया कि कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाने में पालिका में फैले भ्रष्टाचार, सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे जारी करना, सफाई शाखा के टेंडरों में अनियमितता कर भ्रष्टाचार करने के विरोध में धरना दिया जा रहा है। पालिका परिषद के आगे तारानगर चेयरमैन के 3 साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, फर्जी पट्टे, निर्माण में सफाई के टेंडरों में अनियमितता और नगर पालिका की सरकारी जमीन पर फर्जी तरीके से पट्टे से विभिन्न मांगों को लेकर तारानगर के शहरवासियों और पार्षदों के साथ हम धरने पर बैठे हैं। हमारी न्याय संगत मांगों को नहीं माना गया तो धरना अनिश्चितकालीन के लिए चालू है। धन्यवाद। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के महामंत्री शिव कुमार ने आज आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय चूरू का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वंदना सभा को संबोधित करते हुए बताया कि विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहे व शारीरिक, प्राथमिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अपना संपूर्ण विकास करें। इस मौके पर आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गुसाई ने उनका शॉल व श्रीफल देकर स्वागत किया। इस अवसर पर विद्या भारती जयपुर के प्रांत मंत्री शैलेंद्र कुमार शर्मा, उच्च प्राथमिक के प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक के प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पंवार का आज वाल्मीकि मंदिर में अभिनंदन किया गया। सुभाष कुमार व प्रताप कुमार वाल्मीकि जोधपुर हाईकोर्ट में रीट पिटीशन में सहयोग करने पर पंवार का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आर बायल, भानु प्रकाश, रामलाल आदि उपस्थित रहे। माननीय हाईकोर्ट जोधपुर ने सुभाष कुमार व प्रताप कुमार की रीट पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें मैंने सहयोग किया व माननीय हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को स्वीकृत किया व इनको नियुक्ति देने के आदेश दिए। इसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं वेद प्रकाश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस।
चूरू के मंदिरों में भक्ति भाव के साथ शिव पूजा व जलाभिषेक आज संपन्न हुआ। स्थानीय सफेद घंटाघर के पास स्थित गंगा माई मंदिर में सुबह से ही पंचमुखी महादेव की पूजा के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु के आने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालु ने मंदिर में गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रोहित, अश्विनी, विजय कसेरा आदि उपस्थित रहे। पूरे सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान पंचमुखी महादेव का पुष्पों से विशेष श्रृंगार किया जाता है तथा झांकियां भी सजाई जाती है। अगले सोमवार दिनांक 14 अगस्त को रंगीन बर्फ से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाएगा व भजन संध्या का आयोजन भी होगा। रतनगढ़ के बीच से गुजरने वाली सरदार शहर रेल लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के बाद उक्त जमीन अभी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उक्त जमीन पर इतनी गंदगी फैली हुई है कि इसके आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। इस समस्या को लेकर पार्षद नंद किशोर भार्गव ने उक्त जमीन की नियमित सफाई करने का मांग पत्र आज मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर को लिखा है। पार्षद द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि मीटर गेज के समय उक्त स्थान से रतनगढ़ सरदार शहर रेल लाइन निकलती थी। उक्त स्थान की साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चूरू स्थित बालिका आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक विज्ञान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रश्न मंच, चार्ट प्रतियोगिता, विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा तृतीया से पंचमी तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान प्रमुख राजेश शर्मा ने पहले प्रतियोगिताओं के बारे में अवगत करवाया और भाग लेने हेतु प्रेरित किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को आज पुरस्कृत किया गया। सरस्वती बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक विज्ञान सप्ताह मनाया गया। उसके अंतर्गत बच्चों की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें विज्ञान प्रयोगात्मक, विज्ञान प्रदर्शन मॉडल और विज्ञान प्रश्न मंच। सारे भैया बहनों ने कक्षा तृतीया से पंचमी से लेकर सभी भैया बहनों ने उत्साह से इसमें भाग लिया। विज्ञान प्रदर्शन के कुछ भैया बहनों को विषय बताए गए थे, जिन पर आधारित भैया बहनों ने मॉडल व चार्ट बनाए, जैसे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्राकृतिक आपदा, आधुनिक भारत, स्वच्छ भारत अभियान और यातायात के साधन। और जिन भैया बहनों ने कार्यक्रम में भाग लिया, मॉडल व चार्ट बनाए, उन भैया बहनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद।